गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह यहाँ से उठा और सामने व्यू देख के शॉक्ड एकदम। आप चेक करो। यार सच में क्या जबरदस्त डे चूज किया दीदी ने। ऑसम। और ये सारा जो है वो मेरे बर्थडे के लिए। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्वींसटाउन। उठते ही ये नजारा देखा। आहा। तो मतलब हम रात में लेट हो गया था, 11 बज गए थे आते आते, तो पता नहीं था कि सामने क्या है। सिर्फ ये वाला टेबल वगैरह देखा बस, और यहाँ पे हमने एंटर किया था। पर आज जब सुबह उठ के देखा और सुबह हमारी इस आखिर मेरा बर्थडे है तो होगा ही ये सब। तो दीदी ने खास इस ओकेजन के लिए ये वाला स्टे क्वींसटाउन में बुक किया। और एक सरप्राइज मुझे सुबह सुबह मिला कि आज हम जा रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ द अर्थ मिलफोर्ड साउंड। तो सुबह उठते ही ये सरप्राइज मिला, मतलब अभी पता चल गया जाना कहाँ पे वगैरह इस वजह से, नहीं तो वो सीधा लेके जाने वाले थे वहाँ पे। बहुत टाइम से दीदी ने तो बताया नहीं मुझे क्या प्लान है वगैरह आज का। चलो एक ये सरप्राइज और अभी दूसरा सरप्राइज अभी रास्ते में है, तो चलो मिलते हैं अभी ऑन वे। सब लोग बाहर है और उसको अंदर ही रखा है इस वजह से, देखो कैसा कहते हैं। मुझे दीदी और जीजू अंदर है पर उसको भी बाहर आना है। माऊ हाय। अरे इकड़े तो बघ। हाय हाय। सॉरी शी इज अ बिट नॉइजी। या ऑलराइट। ये एक फ्यूल स्टॉप के बाद हम निकल रहे हैं अभी मिलफोर्ड साउंड के लिए। ये देखो ये भी फॉर सेल। तो यहाँ हमने फर्स्ट फ्यूल स्टॉप के बाद सेकंड स्टॉप ले लिया है कॉफी के लिए, एथल्स शॉप। शॉप भी मुझे मस्त लगा, एकदम सिंपल छोटा सा और बहुत सारी चीजें अंदर रखी हुई, आप वो भी चेक करो। तो ये देखो मिलफोर्ड यहाँ पे और लास्ट फ्यूल स्टॉप 190 किलोमीटर लेफ्ट है। और ये रहे अल्पाका।
तो इनके साथ भी हम फोटो क्लिक करेंगे, पर यहाँ नहीं, थोड़ा आगे जाके। ऐसा काम चल रहा है, इस वजह से बंद करके रखा है। फर्स्ट वाटरफॉल का दर्शन हो गया है बिलफोर्ट में। फाइनली हम लोग आ गए हैं मिलफोर्ड साउंड, और ये देखो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। और ये सीन आप चेक करो एक बार, और जो हमारा जो क्रूज है, शिप है, फेरी है, जो भी है, वो सामने 500 मीटर पे है। तो उतना 500 मीटर यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं मिलफोर्ड साउंड। मैप दिया है शॉर्ट, और आप ये चेक करो, वो रही सामने क्रूज। और ये रास्ता भी जो बना है काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से जाने के लिए। एक छोटा सा पार्क जैसा लग रहा है, और है एक्चुअली जंगल। और रास्ते में भी आपने देखा ही होगा कितने सारे पेड़ थे, पूरा जंगल वाला रूट था। तो ये वाला आज का दिन सबसे सुपर बनेगा। एक्चुअली हमें यहाँ पे आते आते थोड़ा लेट हो गया था। हमारा जो बोर्डिंग टाइम था वो था 2:10, और हम यहाँ पे पहुँचे 1:50 पे, तो सिर्फ 20 मिनट्स। तो गाड़ी में थोड़ा सा लगेज का इधर उधर करना, बच्चे भी साथ में, इस वजह से उनके कुछ थिंग्स कैरी करना होता है, और यहाँ से वॉक वे से चलना है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम एकदम टाइम की बाउंड्री पे चल रहे हैं। अभी हो रहे 2:05, और हम यहाँ पे सामने पहुँचने वाले हैं। तो चलो जल्दी से मिलते हैं सीधा क्रूज के पास। ये देखो यहाँ पे मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल्स, स्केटबोर्ड्स और ड्रोन्स अलाउड नहीं है। कियोरा पियो पियो ताही मीन्स वेलकम मिलफोर्ड साउंड।
तो यहाँ से हम अभी एंटर कर रहे हैं अंदर। और ये देखो आप, सदर्न डिस्कवरीज का हमारा क्रूज है और ये यहाँ पे दीदी कुछ डिप, तो यहाँ पे दीदी कुछ बोर्डिंग का देख रही है। तो ये देखो, ये 9 नंबर वाली, ये वाली हमारी क्रूज है सदर्न डिस्कवरीज। ये देखो सामने दो है,